मुरैना के जौरा में नगर पालिका की अनुमति से बनाए जा रहे भवन को उपद्रवियों ने तोड़ दिया और भवन बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री भी आरोपी लूट कर ले गए। वारदात जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अस्पताल रोड पर हुई, जहां फरियादी यूनिस खान अपना मकान बनवा रहे थे। उसी समय पास में रहने वाले एक दर्जन से अधिक लोगों ने निर्माण कार्य बंद करा दिया और कारीगरों से भी मारपीट करते हुए निर्माणाधीन मकान की दीवार तोड़ दी। भवन निर्माण के लिए बाहर रखा सामान भी आरोपी अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, आरोपी जाते जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। यूनिस खान ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे पुश्तैनी मकान को मैं बना रहा हूँ, मेरे पास मकान की डिग्री है न्यायालय की, और कुछ उपद्रवी और नगर पालिका से मेरे पास परमिशन भी है। मैं गरीब होने के कारण और मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और जो उपद्रवी लोग हैं मस्जिद के, तो ये मुझे परेशान कर रहे हैं बनाने से। मेरा मकान का दरवाजा ही सरकारी खरंजा का है, उत्तर दिशा में, और मकान को बना रहा था, पूरे सामान को उठाकर ले गए सामान को मस्जिद के उपद्रवी लोग ले गए, और मैंने कार्रवाई की और मेरे पास कुछ कार्रवाई नहीं की है। मेरे पास पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। संबंध में जो है मस्जिद कमेटी के लोगों से और जो जिनकी जो बगल में दुकान बन रही है, जो पत्रिक संपत्ति उनकी जो खुद की स्वामित्व की संपत्ति है और उनके द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, कमेटी वालों का ये कहना है कि हमारी जो है थोड़ा मेन रोड का जो मतलब दरवाजा मत खुलिए, बगल वाली साइड वाली एल साइड टाइप का उनका जो है मकान उसकी तरफ खुलिए। इसको लेकर के इनमें आपस में जो है डिस्प्यूट है, उसके लिए तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब दोनों पक्षों में बैठ के उसका सोल्यूशन निकालना है, जो अगर लिखी है उसके बाद ही कोई कार्रवाई शुरू।